हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं और आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूपी टेट नोटिफिकेशन पर न्यूज है। एसएससी की चार परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हुआ है। माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों की भर्ती जल्द। UP SSC पेट पर न्यूज है। UP SSC सचिव को अवमानना नोटिस भेजी गई है। TGT पेपर आउट संबंधी न्यूज है और यूपी स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा पर न्यूज है। तो आज बहुत सारी न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के लिए है। तो प्लीज जो है आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। चले गए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑली बोर्ड जो है इतिहास नोट्स के लिए जो है बेहद बेहतरीन फ्री ई बुक लेकर आई है। और ये बुक आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना, अपना कोई एक नया पासवर्ड इस पर बना लीजिएगा या पुराना पासवर्ड डाल दीजिए और अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर हो जाएगा। जैसे आप रजिस्टर होंगे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो यहाँ पर चौथा नंबर का जो आपको दिख रहा है फोन नंबर, आप इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल, तो आपके पास ये देख लो आपकी जो बुक है वो डाउनलोड हो चुकी है, आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो। तो फ्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर इसको तुरंत परचेज कर लीजिए। चले गए, तो जो सबसे पहली न्यूज हमारी है वो TGT एग्जाम को लेकर के लिखा है। पेपर आउट कराने वाले ऑडिटर की तलाश शुरू। उत्तराखंड जाएगी टीम। स्वीकुटी में पकड़े गए सालवर गिरोह का है मददगार। AG ऑफिस में तैनात। लिखा TGT परीक्षा के दौरान स्वीकुटी में पकड़े गए सालवर गिरोह के फरार मददगारों की तलाश शुरू कर दी गई है। इनमें AG ऑफिस का वह ऑडिटर भी शामिल है जो गिरोह के लिए पेपर आउट कराने का काम करता था। स्वीकुटी पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जानकारी जुटाने के बाद एक टीम जल्द ही उत्तराखंड जाएगी। SDM ने 2 दिन पहले तेलियरगंज में सालवर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इसके सरगना धर्मेंद्र पटेल ने बताया था कि उसके मददगारों में 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली करने वाले गिरोह का सरगना KL पटेल और AG ऑफिस में ऑडिटर के पद पर तैनात अमित वर्मा भी शामिल हैं। दोनों गिरोह के लिए पेपर आउट कराने का काम करते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, पेपर जब आउट हो गया सारी चीज़ें हो गई तो पकड़ने से कोई मतलब नहीं बनता है। जब कोई नई परीक्षा आएगी तो फिर कोई नया गिरोह सामने आएगा, ये तो होता ही रहता है। हर एक पेपर के बाद में एक गिरोह को पकड़ा जाता है और जब कोई नई परीक्षा होती है तो वहाँ पर एक नया गिरोह आ जाता है सामने। ठीक है, उसके बाद अगला जो न्यूज़ लिखा TGT के सालवर गैंग पर लगेगा गैंगस्टर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT की लिखित परीक्षा में पकड़े गए सालवर गैंग के सरगना और उसके 6 गुर्गों के खिलाफ अब गैंगस्टर लगेगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी आरोपितों की अवैध तरीके से अर्जित चल व अचल संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इसके लिए गैंग के सदस्यों की पूरी जानकारी खंगाली जा रही है। ठीक है, गिरोह का सरगना धर्मेंद्र कुमार और DK सराव थाना क्षेत्र के वादी का पूरा कमला नगर का निवासी है। वह 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपित डॉक्टर KL पटेल के साथ रहकर काम करता था। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि इनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड जो है टीम रवाना हो चुकी है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज की। तो ये है अधीन सेवा चयन आयोग के सचिव को अवमानना नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव आशुतोष अग्निहोत्री को अवमानना नोटिस जारी की है और ग्राम पंचायत अधिकारी में बचे पदों को भरने संबंधी प्रत्यावेदन 6 हफ्ते में निर्धारित करने के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 5 अक्टूबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल किया जाए अथवा कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने गाजीपुर के धीरज कुमार पांडे की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता MS सिद्दीकी ने बहस की। उनका कहना है कि 27 अप्रैल 2020 को हाईकोर्ट ने करुणेश केस के फैसले के तहत निर्णय लेने का आदेश दिया था। याची के कटाव मार्क से नीचे अंक मिले हैं और बहुत से पद भरे नहीं जा सके हैं। करुणेश केस में कोर्ट ने खाली पदों को भरने का निर्देश दिया। ये जो है सूची थी कि बहुत से लोग हैं जो कुछ कम नंबर पाए थे लेकिन जो पद खाली रह गए हैं उनमें उनको भरा नहीं गया तो केस हुआ था। तो अब जो है अधीन सेवा चयन आयोग को जो है अवमानना की नोटिस जारी कर दी गई है और ये बताया गया कि 5 अक्टूबर को आप अपना हलफनामा लगाइए। उसके बाद बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ और अगली न्यूज है SSC को लेकर के। लिखा है सितंबर और अक्टूबर में SSC की महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी। 4 का कार्यक्रम जारी किया गया है। कौन कौन सी परीक्षा है इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। लिखा है कोरोना के नियंत्रित होने के बाद में भर्ती संस्थानों ने रुकी भर्तियों को जल्द पूरी करने की कवायद तेज कर दी है। इसके मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर व अक्टूबर महीने में 4 महत्वपूर्ण परीक्षाएं करने का निर्णय लिया है। इसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है।
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल की परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 15 व 16 सितंबर को होगा। जूनियर इंजीनियर यानी जो जेई की परीक्षा थी वो 26 सितंबर को किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा जो है वो 10 अक्टूबर को होगी, जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 21 व 22 अक्टूबर को होगा। तो ये चार परीक्षाओं का जो है कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अभी जो है एसएससी जीडी का कोई भी डेट नहीं आया है। उसके बाद अगली जो बढ़ जाते हैं हम लोग अगली न्यूज की तरफ, तो लिखा है एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों की सीधी भर्ती जल्द। क्या है न्यूज देख लेते हैं। लिखा प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों की सीधी भर्ती जल्द शुरू होगी। दो साल बाद विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही होगी। इसमें सेवाकाल में मृत शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी आश्रित की भर्ती पर आउटसोर्सिंग का नियम लागू नहीं होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों में कनिष्ठ सहायक के पदों को सीधी भर्ती में भरे जाने की अनुमति निदेशालय स्तर से दी गई थी। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हो लिपिकों की भर्ती जो है जल्द की जानी है। और ये न्यूज़ किसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो ही सकती है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है स्कॉलरशिप को लेकर के। जब बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं इसी उम्मीद से भरते हैं कि हमें जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। हर बार यही होता है कि 30 से 35% लोगों को स्कॉलरशिप दे दी जाती है और 60 से 65% को किसी ना किसी रीजन से उनको बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है आप जो है स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं है। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि जो बजट होता है, जो फंड होता है, वो खर्च हो जाता है। और कहाँ खर्च हो जाता है, इन फर्जी लोगों के चक्कर में खर्च हो जाता है। क्या है न्यूज़ देखते हैं। लिखा है फतेहपुर, हाथरस, सहारनपुर, लखनऊ के बाद अब प्रयागराज में भी आयुर्वेद व फार्मेसी का पाठ्यक्रम चलाने वाली शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के फर्जीवाड़ों की शिकायतें सामने आ रही हैं। फिलहाल यहाँ के ऐसे दो संस्थानों द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 और 2020-21 आयुर्वेदिक और यूनानी बोर्ड जीकैप और एकेटीयू द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग से दाखिला न लेने वाले और स्पार्ट कोटे से प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि उनके खाते में भेजी गई है और उसके बाद उसकी इसकी बंदर बांट की गई। जबकि विभाग द्वारा इस तरह से दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति या फीस भरपाई नहीं दी जाती है। बिल्कुल इसके बारे में नोटिस भी आई थी और हमने इस पर बहुत पहले वीडियो भी बनाई थी कि अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन लेता है या कोई जगह खाली बचती है उसके बाद में एडमिशन लेता है तो उनको स्कॉलरशिप जो है नहीं मिलती है, जो रूल है, जो नियम है, जो बन के आया है आपकी बात। लेकिन क्या होता है कि ये लोग अपना सेट कर लेते हैं कि चलो भैया मैं तुम्हारी जबरदस्ती तुम्हारी स्कॉलरशिप आ जाएगी, फिर हम कुछ तुम्हें दे देंगे कुछ अपना ले लेंगे, जो बंदर बांट यहाँ पर लिखा गया बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। ठीक है, तो ये फर्जी लोगों के चक्कर में जो गरीब बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप की सख्त जरूरत होती है उन लोगों को स्कॉलरशिप वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम है और सिस्टम की सारी लापरवाही है, पता नहीं क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता है। हर बार यही दिक्कतें होती हैं, 150-150 कॉलेजों में घपलेबाजी चलती है और जो बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल पाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है यूपीटेट को लेकर के। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अक्टूबर अंत तक कराने की तैयारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो है मीटिंग हुई थी वहां पर एडेड को लेकर के और यूपीटेट को लेकर बात हुई थी। एडेड में 10 अक्टूबर को पेपर करवाना था लेकिन 10 अक्टूबर को IAS फ्री होने की वजह से उस पेपर को टाले जाने पर बात की गई। वहीं यूपीटेट को यह बताया गया कि अगर 19 दिसंबर का जो आपने किया है उसको खिसकाकर अक्टूबर में किया जाए क्योंकि हालात जो है धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं कोविड को लेकर के। ऐसे में क्या है कि अक्टूबर में कराए जाने की जो पूरी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं और अगर पेपर अक्टूबर में कराया जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा नोटिफिकेशन है या जो ऑनलाइन फॉर्म है वो इसी माह यानी कि अगस्त में आ जाएगा, तभी तो भाई अक्टूबर में पेपर हो पाएगा। अगस्त में फॉर्म आएगा तो सितंबर तक भरा जाएगा और फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा और तभी तो सेकंड वीक या थर्ड वीक में हम लोग पेपर कर पाएंगे। तो आपका जो फॉर्म है वो अगस्त में ही आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेकर के जो न्यूज है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेकर के मैं यही बताऊं, कल जो है नोटिस जारी कर दी गई परिवहन विभाग की तरफ से 20 अगस्त को पेपर को लेकर सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। सारे परिवहन ने अपनी जो है कमर कस ली है। कल इस पर मैंने वीडियो भी शाम को बनाई थी लेकिन रात में लगभग 11 बजे के करीब बनाई थी। अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। तो 20 अगस्त को पेपर जो है एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रही बात इसकी केस की तो कल इसकी सुनवाई थी लेकिन जो सरकारी
सरकारी वकील थे वो नहीं आ पाए, और जब भी कोई दोनों पक्षों में से कोई भी एक वकील नहीं आता है तो सुनवाई नहीं हो पाती है। तो सरकारी वकील के ना आ पाने के कारण जो है यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई कल। अब जो है इसकी डेट 12 अगस्त दे दी गई है, और ये भी जज साहब ने कहा है कि अगर सरकारी वकील अब नहीं आते क्योंकि वो पिछले तीन सुनवाई से बहाने बना रहे हैं, पिछले तीन सुनवाई से वो नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें छात्रों के पक्ष में फैसला देना होगा, और अगर पक्ष छात्रों के पक्ष में अगर फैसला आ जाता है तो जाहिर सी बात है आवेदन तिथि बढ़ेगी, और आवेदन तिथि अगर बढ़ेगी तो पेपर पर संकट आ सकता है। हालांकि आज के लिए 20 अगस्त मान के आप सभी लोग तैयारी करिए, बाकी जो कुछ भी होगा वो 12 अगस्त को डिपेंड करेगा कि 12 अगस्त को सुनवाई कोर्ट में क्या होती है, ठीक है। बाकी तैयारी में कोई कमी मत रखिए। आज जो है हम लोगों के पास 10 तारीख हो गई है, सिर्फ 10 दिन बचा हम लोगों के पेपर को लेकर के, और हम लोगों के चैनल पर भी तैयारी कराई जा रही है जहां पर आपको फ्री क्लासेस, फ्री PDF सब कुछ प्रोवाइड करा दी जा रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।